फ्रेंड्स, अगर आप कम उम्र में बॉडी बनाना चाहते हैं, यानी आप एक टीनेजर हैं जिसकी उम्र 14 से 20 साल के बीच है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कम उम्र में बॉडी बनाना एक अलग तरह का मसल साइंस होता है और इस साइंस को जानकर ही आप कम उम्र में बॉडी बना पाते हो। तो आगे आप इस वीडियो में जानोगे कि आपकी उम्र अगर कम है तो आप बहुत कम टाइम में अच्छी से अच्छी बॉडी कैसे बना सकते हैं। पर फ्रेंड्स, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो अगर आप कम उम्र में बॉडी बनाना चाहते हैं तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि जिस दिन से कोई नया पर्सन जिम स्टार्ट करता है या वर्कआउट स्टार्ट करता है, उस दिन से एक साल के बाद तक का पीरियड जो होता है उसे न्यूबी गेंस पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड के अंदर ही आपकी मसल्स सबसे ज्यादा तेजी से बनती हैं आपकी पूरी लाइफ में। तो अगर आप इस पीरियड को सही से इस्तेमाल करके इसमें सही वर्कआउट और सही डाइट फॉलो करते हैं तो आप काफी कम टाइम में अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक बेहतरीन शेप में अपनी बॉडी को ला सकते हैं। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप एक बिगिनर हैं और पहली बार जिम में आना शुरू किया है या एक्सरसाइज करने शुरू की है, तो आपको हर दिन अलग मसल पार्ट को ट्रेन नहीं करना है, बल्कि आपको रोजाना फुल बॉडी वर्कआउट करना है। रोजाना फुल बॉडी वर्कआउट करने से पहला फायदा तो आपको ये होगा कि आपकी बॉडी की पावर तेजी से बढ़ने लगेगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी फुल बॉडी एक साथ ग्रो करेगी, जिससे कम टाइम में आप ज्यादा मास गेन कर पाएंगे। और शुरुआत में ऐसा करना आपके लिए इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि आपकी बॉडी तेजी से सभी टूटे हुए मसल टिश्यूज को कम से कम टाइम पीरियड के अंदर ही रिकवर कर पाती है, जिस वजह से आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए। पर आपको जिम में सिर्फ 50 से 55 मिनट ही वर्कआउट करना चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि आपको कौन सी वर्कआउट करनी चाहिए जिससे आप तेजी से मसल्स ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जब आपकी उम्र कम होती है तो आपके घर वाले भी आपको जिम ज्वाइन नहीं करने देते। उन्हें ऐसा लगता है कि जिम ज्वाइन करने से आपकी हाइट ग्रो नहीं होगी या फिर कहीं आपको कोई सीरियस इंजरी ना हो जाए, इसीलिए अक्सर आपके पेरेंट्स आपको जिम ज्वाइन नहीं करने देते। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि जिम जैसी बॉडी आप घर से ही बना सकते हैं अगर आपको सही वर्कआउट पता हो। तो चलिए जानते हैं ऐसा वर्कआउट प्लान जिससे आपकी हाइट ग्रोथ पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और आप तेजी से मसल्स ग्रो कर पाएंगे। और वर्कआउट में सबसे पहले तो आपको 4 मिनट वार्म अप करना है जिससे आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार हो जाए। वार्म अप में जंपिंग जैक्स आप कर सकते हैं या फिर स्पोर्ट रनिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको पहली एक्सरसाइज पुशअप्स को परफॉर्म करना है। देखिए, पुशअप्स इसलिए आपको बताई गई है क्योंकि अपर बॉडी का ज्यादा से ज्यादा मसल मास बढ़ाने के लिए और अपर बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए पुशअप्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जो कि आपके ट्राइसेप्स, शोल्डर और चेस्ट को तेजी से ग्रो करती है। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस वाले लगाने हैं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नंबर 2 पर आपको डायमंड पुशअप्स को परफॉर्म करना है। इसे परफॉर्म करने के लिए आपको पुशअप वाली पोजीशन में आकर अपने हाथों से डायमंड शेप बनाते हुए जमीन पर रखना है और फिर इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म आपको करना है। इसे करने से आपकी इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स काफी तेजी से ट्रेन होते हैं और बाकी आपकी बॉडी भी अच्छे शेप में आती है। इसके आपको 2 सेट 8 से 10 रेप्स वाले लगाने हैं। नंबर 3, ट्राइसेप डिप्स। इस एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को बेंच पर इस तरीके से पीछे की ओर रखना होता है, फिर इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके ट्राइसेप मसल्स को काफी तेजी से ग्रो करती है और हमारे आर्म्स का 55% हिस्सा ट्राइसेप मसल्स का ही होता है और इसीलिए अगर आपके ट्राइसेप्स ग्रो हो जाते हैं तो आपके आर्म्स अच्छे खासे चौड़े दिखाई देने लगते हैं। इसके 3 सेट 8 से 10 रेप्स वाले आपको पूरे करने हैं। नंबर 4, पाइक पुशअप्स। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर्स को तेजी से ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी होम एक्सरसाइज है। इस पोजीशन में आकर आपको इस तरीके से इसे परफॉर्म करना होता है और इसके 3 सेट 8 से 12 रेप्स वाले आपको पूरे करने हैं। नंबर 5, पुलअप्स। देखिए, पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके काफी सारे मसल्स ट्रेन करती है और साथ ही साथ आपकी बैक को चौड़ा बनाती है और आपकी बॉडी को एक अलग ही लुक इससे मिलता है, इसीलिए पुलअप्स एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म जरूर करना चाहिए। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस के साथ लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, बाइसेप कर्ल। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 डंबल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप ईंट यानी ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने हाथों में डंबल को कुछ इस तरीके से पकड़ना होता है और इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज के 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस वाले आपको पूरे करने हैं। नंबर 7, स्क्वाट्स। फ्रेंड्स, स्क्वाट्स आपकी लोअर बॉडी को तेजी से मस्कुलर बनाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये आपकी लोअर बॉडी के लगभग सभी मसल पार्ट्स को ट्रेन करती है और इसे करने से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी कंप्लीट बॉडी मस्कुलर तेजी से बनती है। इसीलिए आपको 50 से 60 स्क्वाट्स लगाने हैं। इन्हें आप 2 सेट में या 3 या 4 सेट में भी पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बताए गए वर्कआउट को आपको हफ्ते में
में 5 से 6 दिन करना है और 1 या 2 दिन का रेस्ट आपको लेना है, जिससे आपके टूटे हुए मसल टिश्यूज अच्छे से रिकवर और रीबिल्ड हो पाएं। और बताए गए वर्कआउट को आपको पूरा सीरियस होकर करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि 1 महीने वर्कआउट किया और 20 दिन आपने कोई वर्कआउट नहीं किया। इसके अलावा आपको कोई शॉर्टकट के चक्कर में भी नहीं पड़ना, यानी आपको शुरुआत में नेचुरली डाइट लेनी है और किसी तरह के सप्लीमेंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल एक्सरसाइज शुरू करने के 6 से 7 महीने बाद कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको एब्स वर्कआउट ना के बराबर ही करनी है, क्योंकि ज्यादातर टीनेजर्स में फैट परसेंटेज बहुत कम होती है। तो अगर आप सिर्फ दूसरे मसल पार्ट्स को ही ट्रेन करेंगे तो उतना करने से ही आपके एब्स विजिबल होने लगेंगे, और बहुत से लड़के एब्स बनाने के चक्कर में अपना पेट भी खराब कर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें खाया पिया भी लगना बंद हो जाता है और भूख भी उनकी कम हो जाती है। तो बताए गए वर्कआउट्स को ही आपको अच्छे से फॉलो करना है। और ध्यान रखिए, आपको बॉडी बनाने के लिए 30% एक्सरसाइज और 70% डाइट का रोल होता है। तो अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करें और ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें जैसे अंडे, पनीर, दूध, दालें, चने जैसी चीजें अपनी डाइट में ज्यादा लें। इसके अलावा प्रॉपर नींद का भी बॉडी की रिकवरी में और मसल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो रात में देर तक मोबाइल चलाना बंद करके 10 से 11 बजे के आसपास आपको सो जाना है और 7 से 8 घंटे की नींद आपको पूरी लेनी है। फ्रेंड्स, बताई गई इन्फॉर्मेशन को आपको जरूर फॉलो करना है और फिटनेस रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।